अध्याय तीन, एक चर का द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। परिचय, इंट्रोडक्शन। एक व्यक्ति अपनी जमीन के किसी भाग में 800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक ऐसा आयताकार बगीचा बनाना चाहता है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी हो। व्यक्ति को बगीचे की लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए? यदि बगीचे की चौड़ाई को x मीटर मान लिया जाए तब उसकी लंबाई 2x मीटर होगी। चूंकि बगीचा आयताकार है अतः बगीचे का क्षेत्रफल बराबर होगा बगीचे की लंबाई गुणित बगीचे की चौड़ाई, यानी 800 बराबर 2x गुणित x, या हम कह सकते हैं 800 बटे 2 बराबर x का वर्ग, या x का वर्ग बराबर 400। इसे हल करने पर मिलेगा x का वर्ग बराबर 20 का वर्ग। पक्षांतर करने पर प्राप्त होगा x का वर्ग ऋण 20 का वर्ग बराबर 0। समीकरण एक, x के जिन मानों के लिए समीकरण एक के दोनों पक्ष बराबर होंगे वे मान ही बगीचे की चौड़ाई को दर्शाएंगे, और चौड़ाई पता होने पर बगीचे की लंबाई भी मालूम हो जाएगी। सवाल को बीजी रूप में लिखना। हमने देखा कि x का वर्ग ऋण 20 का वर्ग बराबर 0 से x का मान पता कर सकते हैं। यह समीकरण दरअसल दिए गए सवाल में दिखाई गई परिस्थिति का बीजीय निरूपण है। आइए हम कुछ और परिस्थितियों की चर्चा करें और उनके बीजीय रूप का अवलोकन करें। नरेश को अपने घर के सामने 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक समकोण त्रिभुजाकार क्यारी बनवानी है जिसमें वह आधार भुजा की लंबाई शीश लंब की लंबाई से 30 मीटर अधिक रखना चाहता है। क्यारी का आकार क्या होना चाहिए यह जानने के लिए हम शीश लंब की लंबाई को x मीटर माने तब आधार भुजा की लंबाई x धन 30 मीटर होनी चाहिए। चूंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित शीश लंब की लंबाई गुणित आधार भुजा की लंबाई, तो इससे हमें मिलेगा 500 बराबर 1/2 गुणित x गुणित कोष्टक में x धन 30। हल करने पर 500 गुणित 2 बराबर x का वर्ग धन 30x। पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा x का वर्ग धन 30x ऋण 1000 बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 2 प्रश्न का बीजीय रूप है। x के जिन मानों के लिए समीकरण 2 के दोनों पक्ष बराबर होंगे वे मान ही त्रिभुजाकार क्यारी के शीश लंब की माप होंगे। द्विघात समीकरण। पूर्व के दोनों बीजी निरूपण में x की अधिकतम घात 2 है। इस द्विघाती बहुपद को शामिल करते हुए एक बीजी समीकरण मिलता है जिससे हम हल ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण हम आगे देखेंगे। अब हम इस कथन पर विचार करते हैं। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 0 है। यदि पहली संख्या x हो तब दूसरी संख्या x धन 1 होगी। इसलिए x गुणित कोष्टक में x धन 1 बराबर 0। हल करने पर प्राप्त होगा x का वर्ग धन x बराबर 0। समीकरण 3। समीकरण 1, 2, 3 में आप देख रहे हैं कि इनमें से प्रत्येक में केवल एक चर है और उसकी अधिकतम घात 2 है। प्रत्येक समीकरण में ऐसा एक पद अनिवार्य रूप से उपस्थित है जिसकी घात 2 है। ये सभी एक चर के द्विघात समीकरण हैं। आप जानते हैं कि बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c घात 2 का एक चर का बहुपद है जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं और a का मान 0 नहीं है। इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इस द्विघाती बहुपद को 0 के बराबर रखने पर यह एक समीकरण बन जाता है, अर्थात ax का वर्g धन bx धन c बराबर 0। चूंकि समीकरण में एक ही चर है तथा चर की अधिकतम घात 2 है अतः इसे एक चर का द्विघात समीकरण कहा जाता है। यह द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का मानक या व्यापक रूप है। कुछ और द्विघात समीकरण यहाँ दिए गए हैं। पहला, x का वर्ग ऋण 2x बराबर 0। दूसरा, कोष्टक में x धन 1 गुणित
कोष्टक में x धन 2 बराबर 0, तीसरा x का वर्ग बराबर 0, चौथा x का वर्ग ऋण 9 बराबर 0, पांचवा z का वर्ग धन 3 बराबर 0, छठवा x का वर्ग ऋण वर्गमूल 5 गुणित x धन 6 बराबर 0, सातवां 3y का वर्ग धन 6y धन 6 बराबर 0, आठवां x ऋण 2 पूरे का वर्ग बराबर 0, नौवां 3m ऋण 2m का वर्ग धन 5 बराबर 0, x वर्ग ऋण 5 वर्गमूल x धन 3 बराबर 0 द्विघात या वर्ग समीकरण नहीं है, क्योंकि समीकरण का बायां भाग बहुपद नहीं है। करके देखें, इनमें से एक चर का द्विघात या वर्ग समीकरण चुनिए। पहला x का वर्ग ऋण 3x बराबर 0, दूसरा ऋण 3x का वर्ग ऋण 2 का वर्ग बराबर 0, तीसरा x धन 2 बराबर 0, चौथा x का वर्ग धन y बराबर 9, पांचवा x का वर्ग धन 9 बराबर 0, छठवां x धन 5y बराबर 0, सातवां कोष्टक में x ऋण 1 गुणित कोष्टक में x धन 2 बराबर 0, आठवां x का वर्ग धन 2 गुणित वर्गमूल x ऋण 1 बराबर 0, नौवां x ऋण 3 पूरे का वर्ग बराबर 0, दसवां x गुणित कोष्टक में x ऋण 5 बराबर 0, ग्यारहवां x का वर्ग धन वर्गमूल 5 गुणित x धन 3 बराबर 0, बारहवां y का वर्ग ऋण z का वर्ग धन 3 बराबर 0, तेरहवां x का वर्ग ऋण 3 गुणित वर्गमूल x धन 2 बराबर 0, चौदहवां x का वर्ग ऋण वर्गमूल 3 गुणित x धन 2 बराबर 0, पंद्रहवां कोष्टक में x धन 1 गुणित कोष्टक में x धन 5 बराबर 0।